फिफ्थ वैक्सीनेशन दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक बहुत प्रभावी तरीका है कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का। वैक्सीन आर मेड अप ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड एंड वेरी वीक जर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर डिजीज। वैक्सीन जो होती है वह बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में मरे हुए कमजोर कीटाणुओं से बनी हुई होती है जो किसी पार्टिकुलर डिजीज के लिए देयर गिवन ऑरली और इंजेक्टेड इन टू द बॉडी। इसको मुँह से या दवाई की तरह पिला करके या सुई लगा करके इसको बॉडी में डाला जाता है। व्हेन द वैक्सीन एंटर द बॉडी, जब वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर जाती है, द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फाइटिंग द जर्म्स ऑफ दैट डिजीज। बॉडी एक ऐसी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है जो कि जर्म बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने में कैपेबल होते हैं। दिस क्रिएट इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीज, जिससे कि हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है किसी डिजीज से लड़ने के लिए। मैनी डिजीज सच एज हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मम्स, टिटनेस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द वैक्सीन। वैक्सीन से हम हेपेटाइटिस, टीबी, चिकन पॉक्स, मम्स और टिटनेस को रोक सकते हैं। सम कॉमन वैक्सीन दैट आर गिवन टू ऑल द चिल्ड्रंस आर, कुछ कॉमन वैक्सीन हैं पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट पोलियो, पोलियो को रोकने के लिए पोलियो वैक्सीन, डीपीटी टू प्रिवेंट डिफ्थेरिया, टिटनेस और पर्टिसिस को रोकने के लिए डीपीटी वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन टू प्रिवेंट मीजल, मम्स और रूबेला को रोकने के लिए एमएमआर वैक्सीन। अब आ रही थी हाइजीन की, स्वच्छता कैसे रखी जाए। हाइजीन में भी डिफाइंड एज ए गुड हैबिट टू एनश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। हाइजीन स्वच्छता का मतलब होता है एक अच्छी आदत बनाना जिससे कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और सफाई भी रहे। प्रॉपर हाइजीन हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग डिजीज, सो प्रॉपर स्वच्छता जो होती है उससे हम बीमारी को रोक सकते हैं। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन, स्वच्छता रखने के जो मेन स्टेप्स हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। एडवर्ड जेनर ए ब्रिटिश डॉक्टर, एडवर्ड जेनर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, इन्वेंटेड ए वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन बनाई। बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल वैक्सीन स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, उनकी एक सक्सेसफुल वैक्सीन के कारण ही संसार से स्मॉल पॉक्स की बीमारी खत्म हो गई। अब पहला, वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सॉप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। हमें हमारे हाथ साबुन से और पानी से अच्छे से धोने चाहिए खाना खाने से पहले और बाद में और टॉयलेट जाने के बाद में। वी शुड बाथ डेली टू रिमूव डस्ट, हमें डेली नहाना चाहिए धूल को हटाने के लिए, डेड सेल्स को हटाने के लिए, जर्म्स ऑन द बॉडी और बॉडी के ऊपर कीटाणुओं को हटाने के लिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डेली, हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, एक तो सुबह उठते ही और एक रात को सोने से पहले। वी शुड कट अवर नेल्स रेगुलरली, हमें हमारे नाखून रेगुलरली काटने चाहिए। किचन फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन विद अ डिसइंफेक्टेड रेगुलरली, हमें हमारे किचन को, फ्लोर फर्श को, बाथरूम को, टॉयलेट को हमें डिसइंफेक्टेड से फिनाइल से उसको साफ करना चाहिए। ड्रेन मस्ट बी कवर्ड प्रॉपरली, हमें उसको नालों नलियों को क्या करना चाहिए, कवर्ड करना चाहिए। वी शुड कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड, हमें हमारा खाना ढक करके रखना चाहिए। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, हमें हमारे चारों ओर का एरिया साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गर्बेज इन ओपन, हमें खुले में कचरा नहीं डालना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर, हमें डस्टबिन को कवर करके रखना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन साइड ऑल द ऑल टायर्स, ड्रम्स, बकेट एक्सेट्रा, पानी को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए पुराने टायर में, ड्रम में, बाल्टियों में। बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, क्योंकि मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में पैदा होते हैं। देयर शुड बी वायर स्क्रीन और नेट ऑन द डोर, समय हमारे दरवाजे के ऊपर या तो तारों की जाली लगी हुई होनी चाहिए एंड विंडो ऑफ द हाउसेज और खिड़कियों के ऊपर भी लगी होनी चाहिए टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फ्लाइज द मॉस्किटो, जिससे कि मच्छर और मक्खियाँ आने से रुकें का प्रवेश ना हो। एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एसेंशियल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट, रेगुलर व्यायाम करना जरूरी होता है हमें हेल्दी और फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज इंप्रूव अवर ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, टर्न्स अप अवर मसल्स। व्यायाम जो होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है और हमारे मसल्स को मजबूत बनाता है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ब्रेन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी ऑल्सो कीप अस फिट, बाहर के गेम खेलना जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी हमें फिट बनाते हैं। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग आर अदर गुड एक्सरसाइज, योगा करना, तैरना, साइकिलिंग करना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। एडिक्वेट रेस्ट, हमें प्रॉपर आराम करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स अवर मसल्स, हम अगर अच्छी मात्रा में हम आराम और नींद लेते हैं तो हमारी मसल्स को आराम मिलता है। नोट्स गिव रेस्ट टू अवर बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी को सिस्टम को भी आराम
देने का समय मिलता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जिससे हमारे बॉडी के फंक्शन का प्रॉपरली काम करने में मदद मिलती है। आफ्टर हैविंग एडिक्वेट रेस्ट, एक आराम करने के बाद वी फील फ्रेश एंड रेडी टू वर्क अगेन, हम फ्रेश महसूस करते हैं और काम के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। टू स्टे हेल्दी एन एडल्ट नीड 6 to 8 hours टू स्लीप इन अ डे, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एक एडल्ट को 6 से 8 घंटे एक दिन में सोना चाहिए। एन एडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस सिक, अगर हम पूरी तरह से आराम नहीं करेंगे या नींद नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। स्टेइंग अप लेट एंड वॉचिंग टेलीविजन इज ए बैड हैबिट, सीधे खड़े रहना, स्टेइंग अप लेट एंड टीवी देखते रहना क्या होता है, बुरी आदत होती है। अब पोस्चर, पोस्चर इज द पोजिशन, पोस्चर मतलब स्थिति, इज अ पोजिशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी वैन वी शिट स्टैंड और मूव, पोस्चर एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम हमारी बॉडी को किसी एक स्थिति में रखते हैं, जब हम पढ़ते हैं या बैठते हैं या हम खड़े होते हैं या चलते हैं। वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग, जब हम खड़े होते हैं बैठते हैं, वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट, हमें हमारी जो कमर है वो सीधी रखनी चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, लीनिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकना चाहिए। वाइल रीडिंग पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन अवर बैक एंड आइज, अगर हम आगे की तरफ झुक करके पढ़ते हैं तो हमारी बैक के ऊपर और आंखों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। करेक्ट पोस्चर गिव अस ए ग्रेसफुल अपीयरेंस, अगर हमारा पोस्चर करेक्ट होगा, हमारी स्थिति करेक्ट होगी तो हमें देखने की जो स्थिति है वो अपीयरेंस अच्छी होगी। वाइल इनकरेक्ट पोस्चर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन मेक अस, अगर हम गलत स्थिति में लंबे समय तक बैठेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं।